हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे इद्दत। अब इद्दत क्या है, क्यों है, कब होता है, ये सब जानने से पहले अपन एक स्टोरी सुनते हैं। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई एक लड़के से और वो शादी के बाद 15 मार्च 2020 को उनका हो गया डिवोर्स। तो लड़का चला गया, लेकिन लड़की ने अगले ही दिन 16 मार्च को वापस शादी कर ली। वापस शादी कर ली, चलो बहुत बढ़िया बात है, लड़की का राइट है, री मैरिज हो गई। अब री मैरिज के बाद टाइम गुजरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 2020, यानी कि 9 महीने बाद इनका हुआ एक बेबी। अब दिक्कत ये आई, ये बेबी 9 महीने पहले किसी का भी हो सकता है। वो इस इंसान का, ब्लू वाले इंसान का भी हो सकता है, या फिर वो इसका भी हो सकता है, नए हस्बैंड का। तो नए हस्बैंड को कन्फ्यूजन हुआ। तो अब आज के ज़माने में तो देखो, डीएनए टेस्ट हो जाता है, पेटर्निटी टेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में तो सब नहीं होता था ना। तो पहले के ज़माने में कि मेक श्योर करने के लिए कि जो बच्चा है, जो फ्यूचर में बच्चा होगा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए इद्दत पीरियड रखा जाता था। अब जैसे ये लड़की ने अगले ही दिन शादी कर ली, मान लो अगर ये 3 महीने रुक के या 2 महीने रुक के या कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रुक के अगर ये शादी करती तो पता पड़ जाता ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो बच्चे की बात क्लियर हो जाती कि हाँ भाई, वो बच्चा किसका है, कौन, हु इज़ द फादर। तो इसलिए इद्दत आया पिक्चर के अंदर। तो इद्दत पीरियड बेसिकली क्या होता है, जो शादी डिसॉल्व हो जाती है ना, कैसे डिसॉल्व हो सकती है, तो बाय डेथ डिसॉल्व हो सकती है या बाय डिवोर्स डिसॉल्व हो सकती है। ये दोनों ही केसेज में जब शादी डिसॉल्व हो जाती है तो कुछ पीरियड रखते हैं कि इतने पीरियड जो लड़की है वो शादी नहीं करेगी। इसमें तो जेंडर इनइक्वालिटी वाली बात भी नहीं आती, क्योंकि आदमी तो प्रेग्नेंट होता नहीं है, औरत प्रेग्नेंट होती है। वैसे अभी तो पेटर्निटी टेस्ट होते हैं तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कल्चर में ये इसलिए है क्योंकि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, तो अगर फ्यूचर में बच्चा हो तो उसके राइट्स में कोई वायलेशन नहीं हो, पता पड़े कि उसके इनहेरिटेंस राइट कहाँ से आएंगे और उसके सक्सेशन राइट कहाँ से आएंगे, उसके पापा कौन होंगे, इसलिए इद्दत पीरियड रखा गया है। तो अगर डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो पीरियड ऑफ इद्दत चलता है या तो डिलीवरी तक या 4 महीने 10 दिन तक, जो भी इनमें से ज़्यादा है। ठीक है, मान लो 8 मंथ प्रेग्नेंट है लड़की और पति की डेथ हो गई, तो वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पीरियड फॉलो करेगी। लेकिन मान लो वो 2 महीने प्रेग्नेंट है तो वो अपनी डिलीवरी तक फॉलो करेगी इद्दत पीरियड, जो भी उनमें से लंबा होगा ना, 4 महीने 10 दिन ज़्यादा होगा या डिलीवरी तक का टाइम ज़्यादा होगा, वो फॉलो करेगी डेथ पे। डिवोर्स के केस में अगर मेंस्ट्रुएशन होता है लड़की के, मेनोपॉज के बाद नहीं होता ना, मान लो मेंस्ट्रुएशन होता है लड़की के, तो पीरियड ऑफ इद्दत होगा 3 कोर्सेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेनोपॉज आ चुका है, तो 3 लूनर मंथ्स होता है इद्दत पीरियड। और अगर डिवोर्स हुआ और औरत प्रेग्नेंट है तो इद्दत का पीरियड लास्ट करेगा जब तक डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, भले वो 3 महीने से कम हो या ज़्यादा हो। ये जो थर्ड वाला है ये मुस्लिम लॉ में था, लेकिन जो अपना मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 है, उसने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी, क्योंकि पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसमें नहीं था, सिर्फ डिलीवरी की बात हुई थी, लेकिन जरूरी थोड़ा ना डिलीवरी हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी इद्दत पीरियड एंड कर देगा। तो ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ने जोड़ा है इसमें। तो इद्दत, डेथ का और डिवोर्स का हमने देख लिया। अब बात आती है इद्दत पीरियड स्टार्ट कब होता है। अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है डेथ से तो इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाएगा डेथ के दिन से। अगर डिवोर्स से हुई है तो डेट ऑफ डिवोर्स से इद्दत पीरियड चालू हो जाएगा। लेकिन मान लो कि लड़की है और उसके पति की डेथ हो गई, या उसके पति ने उसको डिवोर्स दे दिया और उसको पता नहीं पड़ा। मान लो कि अप्रैल में डिवोर्स दे दिया उसके पति ने और उसको पता पड़ा जाके दिसंबर में, तो ये बहुत टाइम हो गया, 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब इसका इद्दत पीरियड इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि जब से उसको पता पड़ा, मान लो उसको दिसंबर में पता पड़ा, तो उसको दिसंबर से 3 या 4 महीने इद्दत फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे उसकी शादी को इतना टाइम हो गया तो इद्दत पीरियड ऑब्वियसली हो ही चुका है। तो अगर बाद में न्यूज़ पता पड़ती है तो इद्दत पीरियड फॉलो नहीं करना है उस टाइम पीरियड के बाद। अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है डेथ से, ठीक है, तो इद्दत कंपलसरी होगा, अगर कॉन्जुमेशन हुआ हो या ना हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिवोर्स हुआ है तो इद्दत कंपलसरी तभी होगा अगर शादी कॉन्जुमेट हुई है तो। अब बात करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की इद्दत पीरियड की ड्यूरिंग राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती है। अब देखो, हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो वाइफ को मेंटेन करे इद्दत पीरियड के टाइम। इद्दत अगर चल रहा है, मान लो डिवोर्स देने की बात चल रही है, तो इद्दत डिवोर्स का एक प्रोसेस होता है, जब तक इद्दत पीरियड पूरा नहीं होएगा तब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं होएगा। तो तब तक वो उसकी वाइफ है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हस्बैंड की ड्यूटी है और वाइफ का राइट है कि वो मेंटेन हो वाइफ उस वक्त हस्बैंड के थ्रू। अब क्योंकि वो उसकी वाइफ है अभी भी, तो वो वापस शादी नहीं कर सकती,
ठीक है, इद्दत पीरियड के मतलब होल पर्पस ऑफ इद्दत वॉज कि वो रीमैरी नहीं कर पाए उस इद्दत पीरियड टाइम में, तो वो ऑब्वियसली रीमैरी नहीं कर सकती, एक और आदमी से उसकी ड्यूटी है कि वो मैरी नहीं करे। और हस्बैंड भी एक फिफ्थ वाइफ नहीं ला सकता। मान लो एक हस्बैंड है, उसकी ऑलरेडी चार वाइफ हैं और उनमें से एक को उसने डिवोर्स दिया है जो इद्दत पीरियड पे है, तो जब तक इसका इद्दत पूरा नहीं होगा ना, जब तक ये एक और लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी वाइफ है ना, चार से ज़्यादा वाइफ अलाउड नहीं है, तो आप पाँचवीं नहीं कर सकते जब तक आपकी एक वाइफ से डिवोर्स इरिवोकेबल नहीं हो जाता। मान लो डिवोर्स देने की बात चल रही है और वाइफ इद्दत पीरियड में है और इधर पार्टी की डेथ हो जाती है, मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है वाइफ इद्दत पीरियड में, या वाइफ की ही डेथ हो जाती है जब वो इद्दत पीरियड में है, तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे से इनहेरिट करने के लिए इंटाइटल्ड होंगे, दोनों ही एक दूसरे से इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी अगर इद्दत पीरियड में से किसी की डेथ हो जाती है। तो जब तक डिवोर्स इरिवोकेबल नहीं हो जाता ना इद्दत पीरियड में, जब तक वो राइट होएगा इनहेरिट करने का। और ऐसे ही मान लो डिवोर्स प्रोनाउंस किया है हस्बैंड ने डेथ इलनेस में, डेथ इलनेस मतलब ऐसी इलनेस जिससे वो मर सकता है, मरने वाला है इस टाइप का, ठीक है, और हस्बैंड मर जाता है वाइफ के इद्दत पीरियड होने से पहले, तो वाइफ एंटाइटल्ड होगी टू इनहेरिट फ्रॉम हिम इवन इफ द डिवोर्स हैज़ बिकम इरिवोकेबल प्रायर टू द डेथ। तो ये डेथ बेड वाली सिचुएशन में एक अलग इंट्रिकेसी है। तो बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं इद्दत पीरियड की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताना भाई, ज़रूर से कमेंट्स में बताना, और यहाँ सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ फैमिली लॉ के वीडियो देख लो, और बस बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।